देख रहे हैं जेबीडी लाइव और मैं हूं आप सभी के साथ अंकिता। द कपिल शर्मा शो में इस हफ्ते तहलका मचने वाला है क्योंकि पहली बार कपिल शर्मा के शो पर कोई टीचर आ रहा है, वो भी कोई ऐसा वैसा टीचर नहीं, पटना के फेमस और कंट्रोवर्सी से घिरे रहने वाले खान सर आ रहे हैं। जी हाँ, वही खान सर जो कहते हैं कि बहुत मुश्किल है उस शख्स को गिराना, चलना जिसने ठोकरों से सीखा है। जहाँ भी खान सर जाते हैं सबसे पहला सवाल यही पूछा जाता है कि खान सर आपका असली नाम क्या है। ठीक ऐसे ही जब खान सर की एंट्री होती है तो कपिल का सबसे पहला सवाल यही था कि खान सर के नाम से तो दुनिया जानती है, अब तो बता दीजिए कि आपका ओरिजिनल नाम क्या है। खान सर तो खान सर है, अपने ही अंदाज में बोलते हैं कि एक टीचर के नाम से क्या रखा है, मायने बस यही रखता है कि उसके द्वारा पढ़ाए गए बच्चे अपना नाम करें, बाकी मैं अपने पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। आपको बता दें कपिल शर्मा के शो पर जब कोई सेलेब्स आते हैं तो उनके तस्वीरों पर जो मजेदार कमेंट्स होते हैं उनको दिखाकर खूब ठहाके लगाए जाते हैं, लेकिन खान सर को किसी के मजेदार कमेंट्स की जरूरत नहीं है क्योंकि खान सर खुद में ही एक मजेदार पर्सनालिटी के साथ साथ एक कॉमेडियन भी है जिसकी झलक हम सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं। लेकिन इस बार कपिल के शो पर रवीना टंडन और अर्चना के साथ खुद खान सर भी अपनी वीडियो को देखकर ठहाके लगाते हुए नजर आए हैं। लेकिन वहीं एक मोमेंट ऐसा भी आया जब खान सर एक छात्र की कहानी सुनाते हुए बोले कि उनके यहाँ पढ़ने के लिए एक लड़का आता था जो बालू भराई का काम करता था, हम कैसे उससे फीस लेते, उससे फीस लेने में हमारा हाथ कांप उठा। तो वहीं दूसरा किस्सा एक लड़की के बारे में बताया, उन्होंने कहा कि उनसे पढ़ने वाली एक लड़की ने कहा कि सर शाम वाली बैच को सुबह शिफ्ट कर दीजिए। मैंने पूछा क्यों, तो उसने कहा कि सर हम शाम को दूसरे घर बर्तन धुलने जाते हैं। बस इतनी बात सुनते ही कपिल भावुक हो उठे। हैरानी की बात तो ये है कि शो का प्रोमो रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पर खान सर की जम के तारीफ हो रही है, वहीं वीडियो को काफी पसंद भी किया जा रहा है। कुल मिलाकर इस हफ्ते कपिल शर्मा शो अपने टीआरपी के रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार है। खान सर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहें जेबीटी लाइव के साथ। नमस्कार।